कक्षा 7 के पंडिता रमाबाई पाठ का अनुवाद कर रहे हैं, जिसका ये दूसरा वीडियो है। कालक्रमेण रमायाः पितः विपन्नः संजात। काल क्रम में रमाया पिता, रमा के पिता विपन्नः निर्धन संजाता हो गए। काल क्रम में रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पित्रो उनके माता पिता, तस्या उनके पित्रो माता पिता, जेठ भगनी चा और जेठ भगनी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित होकर के दिवंगत हो गए। उनके माता पिता और बड़ी बहन भी अकाल पीड़ित होकर दिवंगत हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम फिर इसी बीच में रमा स्वय ज्येष्ठ भ्राता से है, रमा जो है अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। पदाभ्याम पैदल ही भ्रमण करके पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, ठीक है। पदभ्रमण का मतलब होता है पैदल भ्रमण। उन्होंने अपने भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रम में सा कोलकाता प्राप्ता, वो कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदूषणे, संस्कृत में विद्यता जो उनका विद्यता थी, जो विदुषी थी वो, उसके कारण सा तत्र वह उन्हें वहाँ पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। और संस्कृत में जो उनकी विद्यता थी उसके कारण उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा उन्होंने वहाँ ही ब्रह्म समाज से प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदाध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। संस्कृत में तो विदुषी थी लेकिन उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होने के बाद वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा फिर उन्होंने स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम, वेद और शास्त्र की शिक्षा के लिए शिक्षाएँ आंदोलनम प्रारब्धवती, वेद और शास्त्र की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। आपने पढ़ा था कि स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा नहीं थी तो वो वेद शास्त्र का भी अध्ययन नहीं करती थी, तो उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया और स्त्रियों के लिए उनकी शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 ख्रिस्ताब्दे, सन 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन से, उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरो, विवाह किया। 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधे एक वर्षात एक वर्ष अर्थात डेढ़ वर्ष की अनंतरम बीच में या अनंतर तस्या पति, उनके पति दिवंगत हो गए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो।